वेलकम स्टूडेंट्स, ये बीए थर्ड ईयर एंड बीए बीएड थर्ड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की क्लास है। इस क्लास के अंदर अब तक हमने जितने भी हमारे इंडियन पोइट्स थे, कोर्स के अंदर 10 इंडियन पोइट्स जो थे उन सबको कंप्लीट कर लिया है। यदि उनकी वीडियो नहीं देखे हैं तो बगरू महिला ऐप पर जाकर के उन वीडियो को देख लें। अब हम सेकेंड सेक्शन शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर अपन ब्रिटिश पोइट्स को पढ़ेंगे। ब्रिटिश पोइट्स के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर जो पहली पोइट जो है, पहला पोइट जो है उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउनिंग। आज हम सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ेंगे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोइम हमारे कोर्स में जिसका नाम है द लास्ट डचेज। द लास्ट डचेज इज ए पोइम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आज रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम पढ़ेंगे द लास्ट डचेज। सबसे पहले हल्का सा पोइट का परिचय देना चाहूंगा। पोइट के बारे में, इनका जो जन्म जो हुआ था 1812 में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी 1889 में हुई थी। रॉबर्ट ब्राउनिंग ऐसे पोइट हैं, एक फेमस पोइट हैं, जो फेमस हैं किसके लिए? ड्रामाटिक मोनोलॉग्स के लिए। ये टर्म है जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए अप्लाई किया जाता है। कोई आपसे परीक्षा प्रश्न पूछ ले कि ड्रामाटिक मोनोलॉग जो है वो कौन से पोइट के लिए अप्लाई होता है, तो बेसिकली रॉबर्ट ब्राउनिंग जितने भी इन्होंने पोइम लिखी हैं वो एक तरह की ड्रामाटिक मोनोलॉग में लिखी हैं। तो सबसे पहले ये देख लें अपन कि ड्रामाटिक मोनोलॉग होता क्या है। ड्रामाटिक मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? तो ड्रामाटिक मोनोलॉग का मतलब होता है ए पोइम इन विच ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स एंड अदर कैरेक्टर्स रिमेन साइलेंट। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कैरेक्टर्स इज गिवन बाय द मेन कैरेक्टर। The main character. तो मैंने यहां पर ड्रामाटिक मोनोलॉग जो है उसकी डेफिनेशन लिखी है। ड्रामाटिक मोनोलॉग एक ऐसी पोइम है जिसके अंदर ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स, केवल एक पोइम कैरेक्टर जो है वो बोलता है, एंड अदर कैरेक्टर्स रिमेन साइलेंट, और जितने भी अन्य कैरेक्टर्स जो है पोइम के अंदर वो शांत रहते हैं या साइलेंट रहते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अदर कैरेक्टर्स, अन्य कैरेक्टर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इज गिवन, वो दी जाती है बाय द मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर जो होता है उसी के द्वारा सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। इनकी पोएम जो होती है उनमें एक तरह का ड्रामा हो, ड्रामाटिक इसलिए लगाया गया है क्योंकि जिस तरह ड्रामा के अंदर एक स्टोरी चलती है उसी तरह इनकी पोएम के अंदर भी एक स्टोरी सी चलती है। तो अपन कह सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं वो फेमस हैं ड्रामाटिक मोनोलॉग्स के लिए। अब पोएट की कुछ वर्क जो हैं उनके बारे में अपन जानकारी देंगे आपको। इसका पहला वर्क जो है परीक्षा पूरी का फर्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स। तो इनका पहला वर्क जो है उसका नाम है पॉलिन। पॉलिन क्या इनका फर्स्ट वर्क है? परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का पहला वर्क कौन सा है। तो इनका पहला वर्क जो है वो पॉलिन है जो 1843 में आया था। 1843 के अंदर रॉबर्ट ब्राउनिंग का पहला वर्क आया था जिसका नाम है पॉलिन। और उनका अंतिम वर्क के बारे में पूछा जाए तो इज लास्ट, उनका अंतिम वर्क जो है
उसका नाम है एसोलेंडो। एसोलेंडो 1889 में आया था, जैसा मैंने ऊपर लिखा है कि डे ऑफ डेथ जो है वो क्या 1889 है, वो 1889 के अंदर जून का वर्क आया था जिसका नाम है एसोलेंडो। तो एसोलेंडो जो है ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, ये किस दिन प्रकाशित हुआ था, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उसी दिन उनका वर्क अंतिम वर्क आया था जिसका नाम है एसोलेंडो। और भी उन्होंने वर्क लिखे हैं जैसे ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक लिरिक जो है वो वर्क है, सारे कलेक्शन है जो भी वर्क है उनके वो कलेक्शन और पोइम है। तो ड्रामेटिक लिरिक जो है वो 1845 में आया था, और मैन एंड वीमेन जो है वो 1864 में आया था, और द रिंग एंड द बुक ये एक बड़ा प्ले है, रिंग एंड द बुक प्ले है लेकिन वर्ष में है, प्ले कैसा वर्ष में प्ले है, और ये 1869 के अंदर आया था। तो अपन ने सीख लिया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के कौन कौन से वर्क थे, मेन सारे लिख दिए मैंने, पहला वर्क पॉलिन, अंतिम वर्क एसोलेंडो, और भी तीन वर्क आए उनके, ड्रामेटिक लिरिक मैन एंड वीमेन, ड्रामेटिक लिरिक 1845 में, मैन एंड वीमेन 1864 में, और द रिंग एंड द बुक 1869 में आया था। ये था पोइट का अर्घा था परिचय। अब हम माई लास्ट अटेम्प्ट जो है, सबसे पहले अपन इसकी समरी पढ़ेंगे। ध्यान क्या रखना है, माई लास्ट डचेट जो है वो 1842 में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है 1842 में प्रकाशित हुई थी, और द लास्ट डचेट जो है ये क्या है, जैसा कि मैंने बताया ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है द लास्ट डचेट। अब सबसे पहले अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे, आखिर इस पोइम में क्या है, ताकि तुम जब हम पोइम पढ़ाएं, पोइम काफी लंबी है, इतनी लंबी भी नहीं है, ये करीब 54 लाइन की पोइम है करीब, इसका जिसका नाम है द लार्ज चेन। सबसे पहले अपन इसकी समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन अपन पढ़ेंगे। तो समरी बता रहा हूं मैं, पहले ध्यान रखना है लाल चेन जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, दूसरी बात ये 1842 में पब्लिश, क्वेश्चन आते हैं बातें लिखनी है अपन को आंसर में कि द लाल चेन एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये 1842 के अंदर पब्लिश हुआ था। अब मैं इसकी समरी बता रहा हूं, माई लास्ट चेन, उसको द लाल चेन भी कह सकते हैं और माई भी लगा हुआ है, माई भी कह सकते हैं, माई लास्ट चेन, My last essays are published in dramatic lyric. ये भी याद रखना है कि किसमें प्रकाशित हुई थी, dramatic lyric के अंदर ये प्रकाशित हुई थी, dramatic lyrics के अंदर ये प्रकाशित हुई थी 1842 को, प्रकाशित हुई थी 1842 को प्रकाशित हुई थी। In the collection of 1849 It was made one of the dramatic romantics and lyrics. So, 1849 के अंदर जो उनका dramatic lyric collection जो आया था, उसके अंदर भी इसको प्रस्तुत किया गया था। अब हम इसके summary पढ़ रहे हैं, क्या है इसके अंदर? My last essay is a monologue. जैसा कि मैंने बताया, my last essay जो है एक monologue है। Monologue का मतलब होता है one speaker. मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? वन स्पीकर, एक व्यक्ति बोलने वाला, मोनो माने वन और लोग माने कहने वाला, तो एक व्यक्ति जो जिसको पूरी पोएम बोलता है उसको अपन कहते हैं मोनोलॉग। तो माय लास्ट चेन जो है एक मोनोलॉग है, स्पोकन बाय द इटालियन ड्यूक ऑफ एंशियंट लीनिएज, एक इटली का ड्यूक है, किसके द्वारा बोली गई, क्या है इसके अंदर, इटालियन ड्यूक, इसका हीरो है ये, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इटालियन ड्यूक, ड्यूक का मतलब होता है किंग, ड्यूक का मतलब क्या होता है, राजा, और इटालियन का मतलब रिलेटेड टू इटली, इटली का है वो इटालियन, रिलेटेड टू इटली, इटली क्या है, एक देश है, तो इटली के देश का जो ड्यूक है उसके द्वारा इस मोनोलॉग कहा गया है, इसका नाम है माई लास्ट डचेट। और ये ड्यूक कैसा है, एंशियंट लीनिएज, एंशियंट लीनिएज का मतलब होता है बहुत ही पुराने
पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके राजा बनते रहते हैं, काफी प्राचीन समय से जिस राजाओं की प्रथा रहती है उसको एंशियंट लीनियज कहते हैं। ए विडोवर, विडोवर वो होता है जिसकी पत्नी मर जाती है। इसका मतलब क्या है? लास्ट का मतलब अंतिम या पिछली, उसकी पिछली रचय जो है उसके बारे में, उसकी जो लास्ट जो उसकी क्वीन जो थी, रचय का मतलब होता है क्वीन, डचेस का मतलब क्या होता है? क्वीन, रानी। डचेस का मतलब क्या होता है? क्वीन होता है। तो उसकी जो पिछली जो रानी जो थी उसकी लाइफ के ऊपर ये मोनोलॉग है। तो ये विडोवर है इस समय, यानी इसकी जो डचेस जो थी उसकी डेथ हो चुकी है। टू द कॉन्फिडेंशियल एजेंट ऑफ ए काउंट, और ये मोनोलॉग किसको कह रहा है? ये कॉन्फिडेंशियल एजेंट, कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है विश्वसनीय, और एजेंट का मतलब होता है मैसेंजर, मतलब राजा से मिलने कोई एक मैसेंजर आया है उससे बातचीत कर रहा है। तो इसमें दो करेक्टर है बेसिकली, एक ड्यूक है जो सारा सारी बातें बताएगा, तो किसको बता रहा है? एक मैसेंजर को बता रहा है जो राजा से मिलने आया है। इसका मैसेंजर है काउंट, काउंट का मतलब होता है राजा, COUNT, COUNT, काउंट का मतलब क्या होता है? किंग होता है। तो एक दूसरा राजा है उसका एक देवदूत जो है वो ड्यूक से मिलने आया है, और किस पर्पस से आया है? हुज डॉटर ही प्रपोजेस टू मेक दिस सेकेंड डचे, वो क्यों आया है? तो दूसरा राजा जो है उसकी जो बेटी जो है उसका वैवाहिक प्रस्ताव लेकर आया है उसकी दूसरी पत्नी के लिए, मतलब यार एक पहली पत्नी मर चुकी है उसकी, अब वो दूसरी पत्नी जो है आगामी सेकेंड वाइफ जो आएगी उसका प्रस्ताव लेकर वो आया है। इसकी बेटी काउंट की डॉटर, काउंट की डॉटर है और उसका प्रस्ताव लेकर के राजा के पास आया है कौन? एक मैसेंजर आया है। ठीक है, इट इज नॉट क्लियरली नोन इफ ब्राउनिंग बेस्ड हिज पोएम ऑन द लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर ड्यूक, हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो मोनोलॉग लिखा है माय लास्ट डचे, ये कोई किंग के ऊपर आधारित हो ये रियल है या नहीं, इसकी कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। बट इट इज हैज बीन सजेस्ट दैट द सोर्स ऑफ हिज स्टोरी वाज द कैरियर ऑफ अल्फोंसो सेकंड, लेकिन ऐसा माना जाता है एक अल्फोंसो सेकंड एक किंग हुआ था उसकी जीवन की कहानी पर आधारित है। द लास्ट ऑफ द ग्रेट ईस्ट फैमिली, जो ईस्ट फैमिली का अंतिम सदस्य था कौन? अल्फोंसो सेकंड, उसकी लाइफ से थोड़ा रिलेटेड लगता है। दिस ड्यूक फर्स्ट मैरिड ए यंग गर्ल कॉल्ड लुक्रीजिया, पहले ये ड्यूक जो था इसने शादी की थी एक लड़की जिसका नाम था लुक्रीजिया, पहले इसने किससे शादी की थी? लुक्रीजिया से शादी की थी, पहले से शादी किससे की थी? लुक्रीजिया, लुक्रीजिया पहली पत्नी का नाम क्या है? लुक्रीजिया है, उससे इसने क्या की थी? शादी की थी, जो किसकी बेटी थी? ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, जो फ्लोरेंस की बेटी थी, किसकी बेटी थी? ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस, जो फ्लोरेंस की क्या थी? बेटी थी, उससे इसने क्या की थी? शादी की थी। हु ब्रॉट हिम ए हैंडसम डॉटरी डॉरी, और जब उसने ड्यूक की जो फ्लोरेंस की ड्यूक जो था उसकी बेटी जब शादी हुई थी तो इसको काफी अच्छा खासा डाउरी मिला था, डाउरी का मतलब दहेज मिला था। हर वाइफ हर लाइफ विद हिम वाज नेवर हैप्पी, लेकिन लुक्रिया के साथ उसकी जो वैवाहिक जीवन जो था वो अच्छा नहीं था। एंड शी डाइड 3 ईयर्स लेटर अंडर वेरी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, और बहुत ही मतलब संदेहपूर्ण परिस्थितियों के अंदर 3 साल बाद ये क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। किसकी डेथ हो गई थी? लुक्रिजिया की, जो इसकी पत्नी थी इसकी ड्यूक की। सून आफ्टर दिस इसके शीघ्र बाद एल्फोंसो बिगिन निगोसिएशन फॉर द हैंड्स ऑफ बारबरा, इसको एल्फोंसो जो राजा जो था पिछले राजा जहां से सोर्स इसके बारे में बता रहे हैं उसने क्या कर लिया था? उसने मतलब निगोसिएशन और बातचीत शुरू कर दी थी किसके लिए? फॉर द हैंड ऑफ बारबरा, बारबरा के से शादी करने के लिए, नीस ऑफ द काउंट ऑफ टायरोल, जो टायरोल का राजा जो राजा था उसकी भतीजी थी। हुज कैपिटल वाज एट द इंसबर्ग, जिसकी राजधानी क्या थी? इंसबर्ग में थी। द एजेंट ऑफ द काउंट टू कंक्लूड द नेगोशिएशंस वाज ए नेटिव ऑफ इंसबर्ग, और जो काउंट का एजेंट जो था जो इंसबर्ग का निवासी था
उसने ये बातें बताई थी। द रेफरेंस ऑफ क्लाउस ऑफ इंस्विस के पोइम के अंदर कोई बात एक लाइन पढ़ेंगे और अच्छी समझ में आएगी, समझ देख लो भैया। द रेफरेंस ऑफ क्लाउस ऑफ इंस वर्क एट द एंड ऑफ द पोइम, पोइम के अंत के अंत में एक रेफरेंस दिया गया है किसका, क्लाउस ऑफ इंसबर्ग, क्लाउस ऑफ इंसबर्ग शब्द आएगा उसका एक रेफरेंस दिया गया है पोइम के अंत में, अंत में जो कोई भी दिया गया है गिव्स क्रीडेंस टू दिस थ्योरी, वो जो थ्योरी बताई गई है इसको क्रीडेंस का मतलब विश्वास बताती है कि बात सही हो सकती है। इट इज एज अ काजा दैट सेकंड वाज लाइक ब्राउनिश ब्लैक, फॉर द सेकंड जो था बिल्कुल ड्यूक जैसा ही था, कोल्ड इगोटिस्टिकल एक्सट्रीमली पजेसिव एंड ए पैटर्न ऑफ द आर्ट। मतलब कहने का मतलब यह है जो किंग अल्फोंसो सेकंड जो था उसकी तुलना ड्यूक से की जा रही है, क्योंकि वो हो सकता है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो पोइम भी लिखी है माय लास्ट लेटर उसी के जीवन पर आधारित होकर लिखी, और किंग ऑफ अल्फोंसो था वो थोड़ा सनकी टाइप का व्यक्ति था, थोड़ा चीजों को लेकर पजेसिव था। पजेसिव वो होता है जो मतलब अपनी चीजों से हद से ज्यादा प्यार करता है, जिसको चाहे पत्नी हो या कोई भी चीज मतलब हद से ज्यादा प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, पजेसिव कहते हैं। तो पजेसिव था और ये कला का प्रेमी था, दूसरी बार आर्ट्स लवर था। कौन था? किंग अल्फोंसो। उसी के लाइफ के ऊपर इस जो मोनोलॉग जो है उसको बेस बनाया गया है। इट हैज बीन सजेस्टेड दैट माय लास्ट लचेत ओज इट्स ओरिजिन टू शेक्सपियर्स विंटर्स टेल, और शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा है ए विंटर्स टेल, ऐसा माना जाता है कि माय लास्ट लचेत जो है वहां से भी हो सकता है इसकी ओरिजिन हुई हो विद टेल। ठीक है, अब हम देखते हैं इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है, अब हम पढ़ेंगे इसकी समरी। ये तो अपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, अब हम इसकी थोड़ी समरी पढ़ते हैं डिटेल में। टू द पैलेस ऑफ इटालियन ड्यूक, इटालियन ड्यूक का जो महल जो है, हु इज द स्पीकर इन दिस शॉर्ट बट विविड पीस, जो कि इस पोएम के अंदर एक स्पीकर कौन है, जैसे मैंने बताया इटालियन ड्यूक जो है इस पोएम का स्पीकर है। Had come the envoy of a count, उसके पास एक envoy आया है, envoy का मतलब देवदूत आया, messenger आया है एक राजा की तरफ से, whose daughter he was negotiating to marry, जिसकी बेटी को लेकर के वो शादी की बातचीत करने आया है। The duke was a widower, duke की पहली पत्नी मर चुकी थी, विदुर है वो, and talking to his guest round the family portrait gallery, और परिवार की family portrait gallery का मतलब होता है परिवार की बहुत सारी जो पुस्तकें जो होती हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे परदादाजी हैं, ऐसे कोई गैलरी बनी हुई है, बहुत सारी पिक्चर लगी हुई हैं, वहां पर दोनों बातचीत हो रही है, उसको गेस्ट को क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ही पॉज बिफोर द पोर्ट्रेट ऑफ हिज डॉटर, जब जैसे मतलब उसकी जो पिछली पत्नी जो थी उसकी जैसे पोर्ट्रेट आता है, उसकी पिक्चर जो आती है उसके सामने क्या होता है, राजा वो रुक जाता है। एंड ड्रू असाइड द कर्टेन, उसके तस्वीर के सामने पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे को क्या करता है वो हटा देता है, मतलब बताना चाहता है This is my wife, ये मेरी पत्नी है, उसकी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई है। He began to comment on the picture, जब वो फिर क्या करता है, जो तस्वीर के बारे में बताना शुरू कर देता है, किसको, उस देवदूत को जो कि ड्यूक से मिलने आया है। It was a wonderful portrait, वो कहता है कि तस्वीर बड़ी ही प्यारी है, so beautifully executed, इसको बहुत सुंदरता से बनाया गया है, that the form of his wife came to life in it, ऐसा लगता है मानो जो जिस पेंटर ने इसको बनाया है, ऐसा लगता है मानो उसने साथ साथ सचिव को देखकर ऐसा लगता है मानो उस तस्वीर के माध्यम से उसकी पत्नी को उसने जीवित कर दिया हो। फ्रायर पेंडोल्फ, ये तस्वीर किसने बनाई है, फ्रायर पेंडोल्फ नामक पेंटर है, who painted, इसने इसको बनाया है, had spent a lot of time and labor over the masterpiece, ये मास्टरपीस कह रहा है, मास्टरपीस ऐसी तस्वीर होती है जो एक बहुत ही बेस्ट पिक्चर जो होती है उसको क्या कहते हैं, मास्टरपीस, सबसे अच्छी कोई पिक्चर, और इसको बनाने में पेंटर ने सारा दिल लिया था, उसको इस तस्वीर को बनाने में उसने बहुत मेहनत की थी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एट वन द ड्यूक टर्न टू इन्फॉर्म द गेस्ट, अब बाद में ड्यूक क्या करता है, अपने गेस्ट को बताता है दैट कि ये डेलिबरेटली नेम्ड ए फायर एज द आर्टिस्ट, उसने जान पूछ कर फ्रायर जो एक आर्टिस्ट जो था उसके बारे में बताया। दिस वाज का कारण ये था, द लुक ऑफ डीप एंड इंटेंस पैशन ऑन द डचेस फेस ऑलवेज इंट्रिग्ड ऑन लुकर्स,
क्योंकि जिस जो भाव उस पेंटर ने पैदा किया है इस ड्यूक की तस्वीर, उस डचे की तस्वीर के अंदर, ये बातें जो थी वो क्या कहें उसको परेशान करती थी। जो भी उसको देखते थे उस तस्वीर को, जो भी लोग देखते, उन लुकर्स जो होते थे जिस तस्वीर को देखते थे, ये चीजें उनको परेशान करती थी। इट वॉज क्लियर, ये बात स्पष्ट लग रही थी दैट की दे सेकेंड दे सेंड समथिंग बिहाइंड दैट लुक अदर देन लव फॉर हर हस्बैंड। जिस जो लुक जो पेंटर तस्वीर में दी है उस लुक से पता ये चल रहा है कि उसकी पत्नी जो है वो राजा के पति की अपेक्षा हो सकता है किसी और चीज को प्यार करती हो। दे वुड हैव आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट इट इफ ओनली दे करें, लेकिन वे लोग जो थे उनमें हिम्मत नहीं थी कि राजा से इस तरह के प्रश्न पूछे। तो कोई इसे प्रश्न मन में प्रश्न तो आते थे ऑन लुकर्स के कि ये भाव आखिर तस्वीर पर कैसे आया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं थी कि राजा से इस तरह के प्रश्न पूछने की। द मेंशन ऑफ ए फ्रायर्स नेम हैड टू चेक फैंसीज अबाउट एन अफेयर बिटवीन द डचेज एंड द पेंटर। और जो ऐसा लग रहा तस्वीर को देखकर के कि हो सकता है डचेज और जो पेंटर ने बनाया था उसके बीच में रानी का कोई अफेयर रहा हो, कोई गलत संबंध रहे हो। इट वाज ऑब्वियस टू एनीवन दैट द लुक ऑन हर काउंटेंस ऑन चेहरा वाज कॉज्ड बाय समथिंग मोर देन द मियर प्रेजेंस ऑफ हर हस्बैंड इन द स्टूडियो। हालांकि उसका पति जिस जगह तस्वीर बनाई जा रही थी उसका पति मौजूद था, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे उस तस्वीर के चेहरे से ऐसा लगता था कि मानो उसका चेहरा और ही कुछ बताता हो। इट जॉय वाज सो क्लियर एंड ब्राइट बट इट माइट हैव बीन कॉज्ड बाय अ कैजुअल रिमार्क फ्रॉम द पेंटर। हो सकता है कि पेंटर ने कोई ऐसी बात कह दी हो, कोई ऐसी बात बता दी हो, उसके कारण भी हो सकता है उस चेहरे के ऊपर वो पैशन इमोशन जो है वो क्रिएट हो गई हो। आइदर सजेशन दैट हर मेंटल शुड नॉट कवर रीच टू सो मच दैट, हो सकता है ये बात कह दी हो कि तुम्हारे कलाई के ऊपर जो कपड़ा जो है वो थोड़ा ज्यादा ढका हुआ नहीं है, इसको थोड़ा हटा दो, ऐसी बात कह दी हो। इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस ऑन कैनवास द फ्रेम। और लेकिन ये भी बात है कि जो उसने इमोशन जो तस्वीर के अंदर लाया था उसको दोबारा प्रस्तुत करना संभव नहीं है। इवन सी एंड प्लस दैट सफ्यूज्ड हर फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर जो चमक जो थी, जो लालिमा जो थी, जो फ्लश जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इन अ केस इवन सच ए फॉर्मल कॉर्टियस रिमार्क वाज सफिशिएंट टू कॉल फॉर ए ब्लश। एक बात और बताता है कि रानी के अंदर चेहरे पर जो खुशी जो थी वो जरूरी नहीं था कोई बड़ी बात हो जब भी उसके चेहरे पर खुशी आए, छोटी मोटी दैनिक क्रियाएं जो होती थी इसके द्वारा भी उसके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाती थी या प्रसन्नता के भाव आ जाते थे। बताता है कि उसकी पत्नी का नेचर जो था बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था एंड कुड बी प्लीज इजीली, और रानी का दिल ऐसा था कि उसको आसानी से खुश किया जा सकता था। हर केयर हर अर्नेस्ट इंपेशेंट येट स्माइलिंग ग्लांस वेंट अलाइक एवरीवेयर, और उसकी जो नजर जो थी वो करीब हर जगह जाती जिसको भी देखती थी, वो चल ऐसा नहीं था वो सिर को नीचे करके चलती थी, उसकी नजर जो थी वो हर जगह जाती थी, हर जगह मतलब उसको हर चीजों को देखती थी। सी हु सेंट इट न्यू नो डिस्टिंक्शन ऑफ थिंग्स एज प्रो पर्सन, और वो किसी चीज में किसी तरह का कोई डिस्टिंक्शन भेदभाव नहीं करती थी, कोई अंतर नहीं करती थी। एवरीथिंग पास हर एवरी वन कुड अरोज हर गेट, और जो भी उसके पास से गुजरता था वो सबको थैंक कहती थी, सबको धन्यवाद देती थी, सबको ग्रेटिट्यूड देती थी। द सेम स्माइलिंग लाइटेड हर फेस अगेन when he her husband showed her a special favor at when she had some over jealous fool plucked a branch of the cherry tree rich with leaves and fruits and presented to her। और एक बात और बता रहे हैं कि उसका पति जब आता था तो उसकी तरफ भी वैसे ही बर्ताव करती थी जैसा वो कोई मतलब फूल या अमरूद जो हो उसके पास आए, कोई फूलों की डाली तोड़कर लेकर आए, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती। कहने का मतलब यह है वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करती थी, कोई डिफरेंस नहीं करती थी, ना तो अपने पति के साथ वैसा व्यवहार करती थी, अनजान व्यक्ति जो आता था उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी। द ब्राइटेस्ट स्काई, कोई भी चीज हो हर चीज को देखकर बिल्कुल प्रसन्न होती थी, चाहे आसमान में सनसेट के समय आसमान कैसा हो। द ब्राइट व्यू शी रोड सीम टू अराउज द सेम स्माइल ऑफ प्लेजर, और जिस घोड़ी के ऊपर वो चक्कर लगाती थी उसको देखकर वैसा मुस्कुराती थी। It seemed to him that from her manner of showing gratitude for simple simple, कहने वाला ये है वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी अपना थैंक कहती थी, gratitude show करती थी।
that she ranked his gift, the gift of a 900 years old name with that of everyone. यही चीज राजा को पसंद नहीं थी कि उसका राजा की परंपरा 900 साल पहले परंपराएं जो थी उनको भी वही तवज्जो देती थी, वही ग्रेटिट्यूड देती थी जो मतलब एक सामान्य चीजों को देती। कहने का मतलब ये है वो बड़े या छोटे में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं करती थी। यही बात जो थी राजा को अच्छी नहीं लगती थी। मैं कहने का मतलब राजा ये चाहता था कि उसकी पत्नी जो उसको ज्यादा महत्व दे अपेक्षा अन्य लोगों से, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी, सभी को मतलब समान रूप से इंपोर्टेंस देती थी। नेचुरली दिस लुक फिल्ड हिम विद एंगर। इससे क्या हुआ कि राजा के मन में गुस्सा आ गया, ये क्या हो रहा है, मेरी पत्नी जो मेरी तरफ भी उतना ही ध्यान दे रही है जितना वो दूसरी तरफ ध्यान दे रही है। तो इससे राजा के मन में क्या हो गया, एक तरह एंगर क्रिएट हो गया। दैट टर्न्ड सून टू बिकॉज़ ये चीज उसको नफरत में बदल गई। इट वॉज बीनीथ दिस डिग्निटी टू कंप्लेन, और ये राजा की डिग्निटी माने प्रतिष्ठा के खिलाफ था कि छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी मोटी बातें जो है वो रानी से कहे और उसको समझाए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा ये भी नहीं करना, राजा जो था बड़ा संकी टाइप का, वो बताना भी नहीं चाहता था अपनी पत्नी को कि देखो तुम यहाँ गलतियां कर रही हो, ये गलतियां मत करो। वो ये चीजें उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ थी। He could have admonished her, corrected her, perhaps she would have submitted willingly to his wishes. और राजा चाहता तो उसको गलतियों को बता सकता था, जो उस चीज बातें पसंद नहीं थी उनको सही कर सकता था, वो जैसा चाहता था रानी वैसे से वैसा व्यवहार करवा सकता था। लेकिन ये चीजें जो थी वो ड्यूक के खिलाफ थी, ड्यूक ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। बट दिस वुड हैव बीन मैन लोअरिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वांटेड डिग्री। इससे क्या होगा, यदि उसकी छोटी छोटी कमियां जो है उनको बताएगा तो ये चीजें क्या होगी, उसकी जो डिग्निटी जो है वो प्रभावित होगी। एक राजा मतलब अपनी पत्नी से इस तरह का आदेश नहीं दे सकता था, उसको ऐसा लगता था। He gave, so he decided to act. उसने क्या किया, निर्णय ले लिया, उसने मतलब समझाने की कोशिश नहीं की, उसने डायरेक्ट एक्शन ले लिया। समझाना नहीं चाहा, कोई बात नहीं बताई उसको, उसने डायरेक्ट एक्शन लिया। किसके खिलाफ लिया, अपनी वाइफ के खिलाफ उसने डायरेक्ट एक्शन ले लिया। He gave the necessary orders and she never smiled. उसने क्या कह दिया, आवश्यक आदेश दे दिए। आवश्यक आदेश क्या दे दिए, टू गेट द क्वीन किल्ड, ताकि रानी को मारने का उसने आदेश दे दिया, और ताकि उसकी मुस्कुराहट जो है फिर से पैदा कभी नहीं हो। कहने का मतलब राजा ने ही अपने व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को मरवा दिया, ताकि क्योंकि उसकी उस स्माइल जो थी उसे पसंद नहीं थी, वो चाहता था कि सिर्फ वो मुझे देख कर ही स्माइल करे, अन्य को देखकर नहीं मुस्कुराए। लेकिन ये बात वो रानी को बताना भी नहीं चाहता था कि ये ठीक नहीं है। He put her in a state where she could worry, insult, वो उसको ऐसी स्थिति में लाना चाहता था ताकि वो उसको ना तो चिंतित कर सके ना ही उसकी बेइज्जती कर सके। इन सिर्फ सिंपल शब्दों कहें कि गॉड के उसने अपनी रानी को क्या कर दिया, मरवा दिया। बस इस प्रकार हैविंग टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज लास्ट डचे, तो उसने अपनी लास्ट डचे की कहानी बताई राजा ने। देखो एक कैरेक्टर बोल रहा है, दूसरा मैसेंजर एक शब्द नहीं बोल रहा, वो सिर्फ सुन रहा है। इसकी राजा रॉबर्ट ब्राउनिंग की कोई में खास बात है, इसीलिए इसको क्या फेमस रहने के लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग की, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर ही बोल रहा है, बाकी कैरेक्टर के बारे में जानकारी हमें इस सिंगल कैरेक्टर से ही मिल रही है। रानी के बारे में जानकारी मिल रही है, अपन सारी जानकारी मिल रही है। द ड्यूक टर्न्ड टू मोर इमीडिएट थिंग्स। अब राजा ड्यूक जो था वो बेसिकली इधर बुरा, फर्स्ट देयर वाज द डेड डॉरी एट हिज प्रोस्पेक्टिव ब्राइड वाज टू हैव, दूसरी शर्त रख दी जिस लड़की का तो प्रस्ताव लेकर आए हो, एक बात मैं आपको बता दूं कि डॉरी मस्ट, मतलब बिना दहेज के ये शादी नहीं होगी, एक बात तुम ये ध्यान रख लो। ही न्यू दैट इट वुड बी एडिकेट कमिंग एज ए सच ए मैग्निफिसेंट मैन एज द काउंट, जैसा कि वो जानता है कि तुम एक काउंट की तरफ से आए हो, किंग की तरफ से, एक पैसे वाले की तरफ से आए हो, तो कोई मतलब इसमें बहानेबाजी तो है ही नहीं, जरूर डॉली को लेकर ही आएगी। एनी में फिर कहता है इज मेन अट्रैक्शन वॉज द ब्यूटीफुल लेडी नॉट द फॉर्चून ऑफ द शिवड, हालांकि ये बात कह देता है, हालांकि उसका मेन फोकस उसकी बेटी ही है, लेकिन फिर भी वो धन को भी तवज्जो दे रहा है। इसी के साथ ही टर्न टू मूव डाउन द हिज गेस्ट के मुड़ा और कहा ऐसा करते हैं नीचे चलते, काफी देर हो गई अपन को ऊपर, एज जेस्चर ऑफ केयरलेसनेस इंटेंड टू सजेस्ट हिज डिफरेंस टू सच थिंग। ही पॉइंटेड इन पॉजिंग टू अ रेयर स्टैचू इन ब्रॉन्ज द फिगर ऑफ नेपच्यून टेमिंग हिज सी हॉर्स। अंतिम पैराग्राफ में कहता है गुरु अपने देवदूत को क्या करता है, जो मैसेंजर जो आया है उसको नीचे ले जाता है, रास्ते में उसको एक फिर एक तस्वीर और दिखाई देती है
जिसके अंदर एक सी गॉड जो होता है, समुद्री देवता जो होता है, घोड़े पर सवारी कर रहा है, ऐसी कोई पेंटिंग आती है। तो राजा उस पेंटिंग के द्वारा ये दर्शाना चाहता है कि जिस तरह ये सी गॉड जो है हॉर्स को राइड कर रहा है, वही स्थिति मेरी मेरी है, मैं भी एक पत्नी के लिए गॉड की तरह हूँ और मेरी वाइफ जो है एक हॉर्स की तरह है, मैं भी उनकी तरह ही सवारी करता। कहने का मतलब ये है जिस तरह एक राइडर जो होता है वो घोड़े को पूरी कमांड में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है, सेम वे वैसी स्थिति उसकी है, वो भी अपनी पत्नी को पूरी तरह कंट्रोल में रखना चाहता है, ये बात भी उसको बता देनी बताना कोशिश कर रहा है। इस प्रकार एक छोटा सा ड्रामेटिक मोनोलॉग है, एक अभी आप हो सकता कम समझ में आई हो बात कहानी, लेकिन सिंपल कहानी यही है, एक राजा है उससे एक देवदूत मिलने आया है, देवदूत एक दूसरे राजा की पत्नी का प्रस्ताव लेकर आया है कि राजा ड्यूक जो है उसकी पत्नी मर चुकी है और बाद में वो अपनी पत्नी की खूबियों बताता है, बाद में खुद ही ने उसको क्यों मरवा दिया, ये सब बातें जो है इस पोइम के अंदर हमने पढ़ी है। आपको एक बार और समरी किताब में से पढ़ लेना इसको ताकि और अच्छी तरह आपको समरी समझ में आ जाए। कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है, परीक्षा के अंदर लास्ट क्वेश्चन नहीं आया है तो 100% इस साल आएगा, हर साल छोड़कर एक बार एक प्रश्न आता है, ये रिपीट हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आज भी इतना ही काफी, मैंने पॉइंट के बारे में बता दिया, पॉइंट की समरी मैंने आपको बता दी है, कल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसकी पॉइंट जो है माई लास्ट डचे उसकी एक एक लाइन स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर दिस क्लास, ओके।